Some viewers, once again Ms. Khan here to share my knowledge and experience with you. आज की छोटी सी बात कि हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमारे साथ है, या हमें कैसे अंदाज़ा हो कि जो हमारी चीज़ें हैं वो सही राह पे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बात बताऊँ, आपको अल्लाह के साथ का अंदाज़ा कैसे होगा? आपके सामने इवन आपके वहम गुमान में नहीं होगा, आपको उन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी किसी भी तरीके से। या कोई इंसान ऐसा कोई जुमला बोल देगा, या कोई आप इंस्टा या आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपके सामने कोई ऐसी पोस्ट या ऐसी वीडियो आ जाएगी जिसमें उस चीज़ का हिंट होगा, या आपके जो है कोई अपने इर्द गिर्द लोगों में से कोई ऐसा जुमला बोलेगा जो आपको क्लिक कर जाएगा। बेसिकली अल्लाह डायरेक्ट ऑफ इंसान से नहीं वो करता, वो किसी न किसी इंसान के रूप में ही, किसी न किसी चीज़ के रूप में ही आपको साइन देता है, अपने सिग्नल्स देता है, आपको इशारे देता है कि इंसान ये देख। और मेरा इस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आप जब सच्चे हों, आप क्लियर हों, ऑनेस्ट हों, तो अल्लाह आपके साथ हर हाल में होता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है, मेरे से चीज़ें हाइड होती हैं, मुझे उन मामलों में चीज़ों का पता नहीं होता। मैं ऑलरेडी भी एक वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह कैसे मेरे प्रोफेशनली मैटर्स हुए और किस तरीके से अल्लाह ने मेरे साथ किया। तो सेम मैं यहाँ पे फिर वही बात कहूँगी कि कैसे वो सिग्नल आते। मेरी छठी इस कभी सिग्नल देने, दिस इज समथिंग, यहाँ कुछ है, ये नहीं है, या कुछ कर, ओह दिस इज क्लू। तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में आती होंगी, आप गौर किया करें। ये वो सिग्नल्स होते हैं जो अल्लाह अपने इंसानों को अपने साथ होने के लिए, साथ होने का दिखा रहा होता है कि मैं आपके साथ हूँ, और ये चीज़ आपकी हिदायत के लिए है या आपको क्या कर रहे हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब अल्लाह की राह पे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आप हर उस गलत चीज़ से बचेंगे, हर बुरी आदत से रुकेंगे, और आप अपने आप को, आपके इवन आपके सामने भी वो तमाम चीज़ें आएंगी जो आपको अल्लाह के रास्ते की तरफ लेके जाए और अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ों से रोकने के लिए होंगी। लेकिन जब अल्लाह ने आपको अपने से दूर करना होगा, तो खुदा रहा मैं यहाँ पे, मैं मेरे पास लव्स ख़त्म हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती। अल्लाह किसी इंसान को अपने से दूर ना करे, दुश्मन भी हो ना उसको भी दूर ना करे। अल्लाह कभी अपने बंदे से नफरत नहीं कर सकता, वो तो है ही मोहब्बत का नाम, बट नाराज़गी से बचे अल्लाह की। अल्लाह कभी आपसे नाराज़ ना हो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे अल्लाह को हम खुश कर सकते हैं। हम बहुत बड़े बड़े नेकियां नहीं कर सकते, हम बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, हम तो ख़ताकार इंसान हैं। हम बहुत छोटे छोटे काम कर सकते हैं, किसी की खुशी के लिए कुछ छोटा सा कर देना, लेकिन गर्ज क्या रखना कि ये मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए करूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए करूँ, अल्लाह के लिए। आप यकीन करें आपकी लाइफ बहुत बदल जाएगी, और अल्लाह आपको, जब आप ऐसा करेंगे, आप ऐसी राह पे होंगी, अल्लाह आपको साथ के, अपने साथ होने के इशारे इस तरह देगा कि आप दीन की तरफ ऑटोमेटिकली होते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका रुझान इस तरफ हो जाएगा, और आपके सामने ऐसी ऐसी आयात तर्जमा आएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, यार मैं तो यही सोच रहा था। मुझे इसी एक मोटिवेटेशन की या मोटिवेटेड कोटों की कोटेशन की ज़रूरत थी जो आपको मिल जाती है। तो अल्लाह से अपने साथ का दुआ किया करें कि अल्लाह हमारा साथ रहे, हमें साथ से ना छोड़। स्टे ट्यून्ड विद मी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।